क्योंकि देखने में खैर काफी अच्छा लगता है। ये देखिए पूरे में कहीं जॉइंट नहीं है, अब यहाँ पे स्टेपनी होगी तो कुछ भी सामान रखेंगे तो अटकेगा। हजार के लिए 1000 kg वेट आराम से उठा सकता है। इसकी वजह से उठाने में काफी, क्योंकि अकेले बंदे ने उठा दिया, काफी हल्का है। जैसा कि आपने ई रिक्शा में देखा, यहाँ पर भी आपको जो ई रिक्शा खोलने की चाबी है वो यहाँ मिल रही है। इसमें तो पीछे वाली सीट भी नहीं है, इसका कंट्रोल कन्वर्टर का है। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम आयुष कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया। और इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक ई रिक्शा मिनी मेट्रो का ई रिक्शा का वीडियो देखा। इस वीडियो में हम आपको मिनी मेट्रो की लोडर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल जितना ई रिक्शा चल रहा है उतना लोडर चल रहा है, क्योंकि लोगों को लोडर के जो वैल्यू है, लोडर किस मामले में क्या क्या चीज़ें फ़ायदा हो सकता है, वो सारी चीज़ें पता चल चुकी है। और नहीं पता चली है तो उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे कि लोडर क्यों खरीदना चाहिए आपको ई रिक्शे से ज़्यादा। वो मिनी मेट्रो में जैसे ई रिक्शा में काफ़ी चीज़ें यूनिक थी, काफ़ी चीज़ें खास थी, इसमें भी काफ़ी चीज़ें खास है। और ये ई रिक्शा है और ये हमारे साथ, हम गुड़गांव में हैं और ये हमारे साथ हेमंत भैया हैं, यहाँ के एजेंसी इंचार्ज हैं। जो शकंबरी ई रिक्शा है जो आप पीछे ऊपर देख रहे हैं, इसके बहुत सारे ब्रांच हैं जिसमें से ये गुड़गांव वाला है। हालांकि आपको मिनी मेट्रो ई रिक्शा या ई लोडर आपको इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ आप लेना चाहें वहाँ मिल जाएगा और जहाँ ई रिक्शा चलता है वहाँ मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं ई रिक्शा के बारे में, ई लोडर के बारे में। वीडियो पूरी देख के जरूर जाना, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। एक तो मजबूती सबसे बेस्ट है, इसका वेट अच्छा है, मतलब आराम से उठा सकता है, काफ़ी वेट उठा सकता है, प्लस इसकी मजबूती है। जैसे हम बात करें, हमने पिछले रिक्शा में बात किया था, हमने टायर सेम वॉइड सीएट का टायर है, मतलब सेम साइज का टायर है, इसकी 2 साल की वारंटी है टायर की। टायर की 2 साल, कौन सी कंपनी का भैया? सीएट का टायर है, सीएट कंपनी का ओरिजिनल टायर है। और ऊपर यहाँ पे आपको पानी से बचाने के लिए मडगार्ड दे रखा है स्टेनलेस स्टील का। और यहाँ पर सोकर मिनी मेट्रो का, मिनी मेट्रो का कंपनी का पर्सनल यहाँ पे सोकर देगा, जो कि आप देख रहे हैं। और 43 mm का यहाँ पे आपको जो है यहाँ सोकर मिल रहा है, प्लस मिनी मेट्रो का जो बेसिक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है वो यहाँ मिल रहा है, जो कि देखने में खैर काफ़ी अच्छा लगता है। और एक तरह से होता है ना पावर रेंजर, जो हम पुराने ज़माने में देखते थे उसकी तरह का लुक आता है। और हम बात करें जैसे रिक्शा में मजबूती, वही चीज़ इसमें आगे एंगल लगा के है। जैसे हमने आपको बताया था ई रिक्शे में कि ये सिंगल फ्रेम जो पाइप है, आप देखिए जरा, ये देखिए यहाँ से लेकर ये कहीं आपका जॉइंट नहीं है, ये देखिए पूरे में कहीं जॉइंट नहीं है, कहीं भी जॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं जॉइंट नहीं है, सिंगल पाइप में मोल्ड करके बनाया गया है। उससे फायदा ये है, हमने आपको पहले ही बताया था, फायदा ये है कि आपको जो पूरा ई रिक्शा का आगे वाला हिस्सा है इसी पर टिका है। अब इस पर टिका है तो आपको जो मजबूती इसकी चाहिए, जो कि यहाँ पे दे रखी सिंगल पाइप की वजह से। हम बात करें इसकी छत की, लोहे की छत दे रखी है, मिनी मेट्रो का लोगो है। और एक चीज स्टेपनी, यहाँ देखिए स्टेपनी दे रखी है, स्टेपनी इसकी छत पे दे रखी है। अच्छा, छत पे देने का फायदा क्या है वो भैया बताए। छत पे देने का ये फायदा है कि आराम से कम, मतलब उतारने में भी दिक्कत नहीं आती है, साइज बड़ा होने के कारण साइड में कहीं लगेगी भी नहीं, क्योंकि जनरली आपको मैं बताता हूँ आपको जो स्टेपनी वो होती कहाँ पर आई है, स्टेपनी आपको मिलती है यहाँ पर इस जगह पर, ज़्यादातर ई रिक्शा में जो लोडर में स्टेपनी आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर अगर स्टेपनी होगी, अब यहाँ पर स्टेपनी होगी तो कुछ भी सामान रखेंगे तो अटकेगा, लेकिन यहाँ पर स्टेपनी ऊपर होने की वजह से वो अटकने वाला जो केस है वो उनको ख़त्म हो जाता है। अच्छा भैया आप आइए, बेस का साइज है 4x6 का साइज है, 4x4 फुट चौड़ा, 4 फुट चौड़ा, ऊंचाई कितनी? डेढ़ फुट। इसमें आप
क्या क्या कितने कौन कौन से साइज में आता है? भाई इसमें अलग अलग साइज आती है, जो कि 40x60 इंची का होता है, 4x5 का होता है, 4x6 का साइज होता है। और ऊपर तो कवर जो आता है वो भी आता है? बिल्कुल आता है, वो भी आता है। इसमें जैसे हम ब्रेड वगैरह के लिए होता है, या एटीएम वगैरह जो है, सब्जी वगैरह है, अलग मतलब हर प्रकार के आपको मिलेंगे। मतलब जो आपको पता है कि जो लोडर है वो सिर्फ एक काम नहीं आता, बहुत सारे काम आता है। तो अगर आपको यहाँ पर मतलब ब्रेड का करना है, क्योंकि ब्रेड का भी आजकल बहुत इंडिक्शन होता है, तो अगर आपको ब्रेड का करना है तो एक कवर होता है जिसका गेट आपको इस साइड से मिलता है, इस साइड से आपको गेट मिलता है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी सामान के, अगर आपको ब्रेड के लिए चाहिए, नॉर्मल बॉक्स ले जाने के लिए चाहिए, या किसी कोई भी कूलर वूलर ले जाने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको बना हुआ है। क्योंकि मोटर भी, मोटर कितनी लगी? मोटर भैया 1500 वोल्ट की मोटर है इसके अंदर, जो कि ये आराम से 1000 केजी वेट आराम से उठा सकता है। 1500 वोल्ट की मोटर है, 1000 केजी जो वेट है वो ये उठा सकता है। और इधर आइए आप, सस्पेंशन। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये 4 बैटरी यहाँ पर दे रखी है इसको उठा के, और क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसके वजह से उठाने में काफ़ी, क्योंकि अकेले बंदे ने उठा दिए, काफ़ी हल्का है। और ईस्टमैन की 4 बैटरी लगी है। कितनी एज की लगी भैया? ये 130 एम्पियर की लगी हुई है। 130 एज की बैटरी यहाँ पर एम्पियर की लगी पड़ी है। और ये है, इधर देखिए आपको यहाँ पे डिफेंसर मिल रहा है, 1500 वॉट का मोटर है, और ये पूरी स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसा कि आपने ई रिक्शा में देखा, यहाँ पर भी आपको जो ई रिक्शा खोलने की चाबी है वो यहाँ मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर आपको जो बैटरी, ड्राइवर बैटरी, ड्राइवर बॉक्स है, ड्राइवर सीट है, उसके नीचे आपको ये सब चीज़ें मिल रही है। ये आपको मैट मिलेगा, ये आपको फायर एक्सटिंग्विशर है, यहाँ आपको जैक है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी आपको सिस्टम वगैरह भी मिलेगा, ये सब चीज़ें आपको मिल रही है। अब फिर से आप कंफ्यूज है, इसमें तो पीछे वाली सीट भी नहीं है, इसका कंट्रोल कन्वर्टर का है। चलिए इसका कंट्रोल कन्वर्टर देखते हैं, इसको पहले बंद करते हैं। ये लॉक से बंद हो रहा है, जो कि हर एक से में नहीं मिलती। अब कंट्रोलर कन्वर्टर आपको है, ये रहा आपको कंट्रोलर कन्वर्टर का बॉक्स। ये देखिए यहाँ पे आपको मिलता है कंट्रोल कन्वर्टर, और काफ़ी देखिए आपने ई रिक्शा का भी कंट्रोलर देखा ना, इसका भी कंट्रोलर देखा, इसका कंट्रोलर 1500 वॉट का है, तो काफ़ी बड़ा है। और क्योंकि सारी देखो सारी चीज़ें इसमें एक तरह से देखो सेपरेट रखी हुई हैं, तो काफ़ी कंट्रोलर कन्वर्टर इसमें सही से रखा, और ये यहाँ पे लॉक हो जाता है। ये 1500 वोल्ट के हिसाब से कर देखिए आप, इसमें खुद ये मिनी मेट्रो का ही कन्वर्टर है, कंट्रोलर है। दूसरी वाली बात, 1500 वोल्ट की इसमें मोटर है, उसी के वोल्ट के अनुसार ये कंट्रोलर। अच्छा, वारंटी बैक कितनी देते हैं आप? बैक कंट्रोलर की हम 6 महीने की वारंटी देते हैं, 6 महीने की, हम एक साल, बाकी फिर भी 6 महीने की वारंटी कंपनी की तरफ से 6 महीने की वारंटी है। लेकिन अगर कंपनी से आप लेते हैं तो आपको 1 साल तक वारंटी मिल जाएगी बढ़ाकर। तो ये यहाँ पर कंट्रोलर है आपका, और ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। और ये देखिए आप इसको नीचे करिए, ये देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट होने की वजह से काफ़ी आसानी से ये नीचे हो जा रहा है। पीछे है यहाँ पे, पीछे से नीचे आ रही है। यहाँ पर आपको इसका जैसे आपको ई रिक्शा में दिख रहा था इंडिकेटर का, जो आपको दोनों है कवर मिल रहा है, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नॉर्मल ई रिक्शा की तरह मिल रही हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट टाइट मिल रहा है, पानी जाने की भी शिकायत नहीं रहती मोटर पे भी। अच्छा, इसकी वजह से? हाँ जी, ये जो इसकी वजह से आपको मोटर में जो पानी जाने का शिकायत है वो नहीं होने वाली है, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करता है बैटरी मोटर हर चीज़ को। अच्छा ओके सर, और ये चीज़ सारी आपको जैसे आपको ई रिक्शा में देखा आपने, यहाँ पे मीटर, ये आपको जो दिख रहा था जो बुलेट का टायर, बुलेट का जो ऑन ऑफ का स्विच होता है वो ये रहा, और हैंड ब्रेक मिनी मेट्रो ई रिक्शा की तरह वो भी इसका यहाँ पर है। सारी चीज़ें आपको नॉर्मल है, ये लेग गार्ड, लेग का जो है फुट रेस्ट जो है ये आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। और ये है आपका मिनी मेट्रो ई लोडर। हर चीज़ बता दी, आखिरी में, सबसे आखिरी में इसका प्राइस है, तो चलिए प्राइस की बात करते हैं, आ जाइए। तो ये अब आपको सबसे आखिरी में ई रिक्शा का रेंज है वो की बताइए, रेंज कितना है इसका? जैसे हमारे में 40x60 इंची की जो प्राइस होती है वो होती है 155, इसमें 1200 वोल्ट की मोटर लगी रहती है। अगर हम बात करें 4x5 इंची साइज़ का, तो उसके अंदर होती है 1,60,000।
हम बात करते हैं 4x6 की, तो इसकी प्राइस होती है 1,65,000। तो लगभग जो ये प्राइस बता रहे हैं 1,50,000 से 1,70,000 तक आपको ई रिक्शा ई लोडर मिलने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन, आप फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, ये इस चीज़ पे भी निर्भर करेगा कि आप कौन से स्टेट से ले रहे हैं, दिल्ली से ले रहे हैं, हरियाणा से ले रहे हैं, यूपी से ले रहे हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आप कवर ई रिक्शा ले रहे हैं, कौन कितने साइज़ का ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हो जाएगी। अब ये वीडियो में आके आप वीडियो के नीचे नंबर दिया है, आइए कॉल करिए और जो भी चीज़ें पूछनी है वो पूछिए और ई रिक्शा लेके जाइए। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप फोन करके ये मत पूछिए कि भैया आपने तो ये बोला था, इसलिए हम प्राइस का बता रहे हैं कि प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है घटता बढ़ता रहता है, तो प्राइस के मामले फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन क्वालिटी जो है वो बिल्कुल कम नहीं होने वाली, क्वालिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, कम बिल्कुल नहीं होने वाली। तो क्वालिटी के मामले में निश्चिंत रहिए, प्राइस जो भी आपको मिनिमम से मिनिमम आपके लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि आप जो ई रिक्शा चलाने वाले हैं वो काफ़ी लो तबके के लोग हैं, तो आपके लिए प्राइस मिनिमम से मिनिमम रखा जाएगा, उस चीज़ की बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये ई लोडर अच्छा लगा तो यहाँ पर आइए, सेकेंडरी ई रिक्शा पर आइए, यहाँ से ई रिक्शा लीजिए, ई लोडर लीजिए, और वीडियो के नीचे नंबर है, कोई भी चीज़ है कॉल करिए, लेके जाइए। और अगर आपको ई रिक्शा अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलना है हमसे अगले वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि मिनी मेट्रो का जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, जो मेरठ में इनकी फैक्ट्री है, वहाँ पे लेके जाएं और पूरी जानने की कोशिश करें कि इनका एक्चुअल जो मजबूती के साथ मैन्युफैक्चर करते हैं वो कैसे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।